अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप प्लीज़ मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में शेयर कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और उस पर कमेंट करना ना भूलें। तो आज का व्लॉग मैं आफ्टरनून से स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे घर के काम करने के बाद मैं किचन में आ गई थी, तो आज मैं बना रही थी ढाबा स्टाइल चने की दाल। तो मैं दाल को निकाल के सोक करने रख दूँगी। हम एक्चुअली दो ही लोग हैं और मैं क्वांटिटी फिर कम बनाती हूँ, तो मैं दाल को पहले ही अच्छे घंटों के लिए सोक करके रखती हूँ। फिर मैं कुकर का यूज़ नहीं करती, उसको ऐसे ही पकने के लिए रख देती हूँ। जो कंटेनर्स पे मैंने लेबल स्टिकर्स लगाई हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मैंने अमेज़ोन से ली थी और ये बहुत क्लासी दिखते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये रील मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड की थी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये स्टिकर्स बहुत क्लासी लगते हैं, इसमें वाइट और ब्लैक कलर ये दोनों में आते हैं और ये वाटरप्रूफ भी है और ईजीली स्टिक हो जाते हैं और बहुत अच्छी लुक देते हैं। ये स्टिकर्स काफ़ी अफोर्डेबल भी है और ऑलमोस्ट सारे ग्रोसरी आइटम्स के नाम के स्टिकर्स वो शीट्स में अवेलेबल रहते हैं। यहाँ मैंने दाल को सोक करके रख दी थी बट मेरी वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई जो रेसिपी मैंने बनाई चने की दाल की। बात ये इंस्टाग्राम के रील पे अपलोडेड है ऑलरेडी, बिकॉज मैंने कुछ दिन पहले भी इसे बनाई थी, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। और मैं आफ्टरनून के लिए अपने लिए बना रही थी वाइट सॉस पास्ता। असल पास्ता नहीं खाते, उन्हें पसंद नहीं आता है, तो फिर मैंने सोचा मैं अपने लिए थोड़ा सा लंच के लिए बना लेती हूँ। असल तो शाम में आएंगे तो हम डिनर साथ कर लेंगे। तो पास्ता को मैंने बॉईल करने रख दिया था पैकेट पे, जैसे इंस्ट्रक्शंस है बस उसी तरीके से। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल डाला था। ऑयल मैं इसलिए डालती हूँ सो दैट वो पास्ता एक दूसरे से स्टिक नहीं होता है। जब तक मेरा पास्ता बॉईल हो रहा था तो मैंने ये कंटेनर्स लाई थी चाय और चीनी के, तो ये अब तक खाली थे तो मैंने सोचा आज इसे फिल कर देती हूँ। तो ये बहुत अच्छे क्यूट लगते हैं, एक अच्छा लुक देते हैं किचन में। और इसमें मैं चाय और शक्कर भर दूँगी। चाय मैं कम ही लाती हूँ बिकॉज मैं और असद हम दोनों चाय नहीं पीते। असद तो कभी मूड हुआ तो ही ब्लैक टी पियेंगे और मैं भी, वरना ऐसे रेगुलर बेसिस पे हमें चाय की आदत नहीं है। कंटेनर्स ये एकदम लाइट वेट है और दिखने में भी बहुत अच्छे। ये मैंने इंडिया से ली थी चाय का, चीनी का और जो कटलरी का लिखा है साइड में आप देख सकते हैं वो भी 99 स्टोर से ली थी मैंने मॉल से, और काफ़ी अफोर्डेबल भी है। आई थिंक 199 का ये था एक, और जो छोटा था वो आई थिंक 150 या समथिंग। तब कुछ डिस्काउंट्स भी चले थे तो तब मैंने ये तीनों ली थी, चाय चीनी और कटलरी का। बट काफ़ी क्यूट है ये, आपको अमेज़ॉन वगैरह पे भी इजीली मिल जाएंगे। और इसमें बहुत कलर्स भी आते हैं दूसरे, ब्लैक रेड मैंने देखी थी और दूसरे टाइप भी, दूसरी स्टाइल्स भी है इसमें। पास्ता को मैंने चेक की तो पास्ता अब तक बॉईल नहीं हुआ था, थोड़ी कसर थी उसमें। तो मैंने सोची वाटरमेलन हम लोग लाए थे तो इसको मैं कट करके रख देती हूँ, बट इसमें बहुत सीड्स थे, शायद हमने सही से देख के नहीं लिए या हमारा ध्यान नहीं था सीड्स पर, तो बहुत सीड्स थे इसमें। तो मैंने सोची इसको खाने के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर, तो मैं सोची कि इसको कट करके रखती हूँ, फिर इसके सीड्स निकाल के जो इसके वाटरमेलन के क्यूब्स है उसको फ्रीज़ करती हूँ, उसके बाद इसकी स्लशी बनाती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा, अगर आपको वाटरमेलन स्लश पीना एकदम आइसी आइसी ठंडा, तो आप ना वाटरमेलन के क्यूब्स को फ्रीज़ कर दीजिए अच्छे से और फिर उसको ब्लेंडर में ब्लेंड करके थोड़ी सी शुगर ऐड करके उसका स्लशी बना के पीजिए, बहुत रिफ्रेशिंग लगता है।
और मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को बहुत शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, उस पर बताइए आपको वीडियोस कैसी लगी, आप क्या देखना चाहते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं आप। और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिए, मैं वहाँ पे भी रेसिपीज़ डालती हूँ जो मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं करती, तो वहाँ पे भी आप मिस मत कीजिएगा। और यहाँ हमारा वाटरमेलन कट करके हो गया है। अब फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी, बाद में इसके सीड्स निकाल के इसको मैं स्लैशी के लिए फ्रीज कर दूँगी। तब तक हमारा पास्ता भी बॉयल हो गया, तो हम सॉस की तैयारी करते हैं। मैंने 2 to 3 टेबलस्पून्स बटर ली हूँ, उस पर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी सो दैट हमारा बटर जल ना जाए। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड की हूँ, आप चाहिए तो गार्लिक को चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। फिर हम इसे थोड़ा सा सॉटे कर देंगे जब तक उसकी रॉ स्मेल ना चली जाए। गैस को हमें लो रखना है और अब हम इसमें 2 टेबलस्पून्स मैदा ऐड करेंगे, ऑल पर्पस फ्लावर। इसको हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है, इसके कोई लम्ब्स नहीं बनने चाहिए, और जब तक इसे हमें ना अच्छे से रोस्ट करना है जब तक इसकी अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। और फ्लेम को आप लो ही रखिए, बिकॉज़ ये सॉस बनाने के लिए लो फ्लेम ही सही है, वरना ये इसके बहुत लम्ब्स बन जाते हैं और फिर सॉस हैंडल नहीं होती है। कंटिन्यू आप इसको मिक्स करते रहिए तो इसके ना लम्ब्स नहीं बनेंगे फिर। और फिर हम इसमें 1 कप से थोड़ा सा हमें दूध बचाना है, 1 कप दूध लेना है, उसमें से हमें थोड़ा रखना है और बाकी का मिल्क इसमें हमें ऐड करना है। और इसको हमें कंटिन्यू स्टर करना है, बिकॉज़ फिर लम्ब्स बन जाएंगे और हमारी सॉस बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो आप इसे कंटिन्यू स्टर करते रहिए, अगर आपके पास ये विस्क नहीं है तो आप स्पून से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। फ्लेम आप लो टू मीडियम के बीच में ही एडजस्ट करके रखिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी और फिर 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, बट इसमें थोड़ा बैलेंस करके रखेंगे फ्लेवर्स तो ज़्यादा मज़ा आएगा, एकदम भी स्पाइसी होगा तो अच्छा नहीं लगेगा फिर। तो ये सब कुछ ऐड करने के बाद हम इसे फिर से मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। देखिए कंटिन्यू मिक्स करना पड़ता है वरना ये नीचे ना लम्ब्स बन जाते हैं। जब आप सॉल्ट वगैरह सब ऐड करेंगे तब आप फ्लेम एकदम लो कर दीजिए सो दैट ये लम्ब्स नीचे ना बने। फिर हमें फिर से इसको स्टर करते रहना है, तो धीरे धीरे इसकी कंसिस्टेंसी थिक होने लगेगी। यहाँ मैं सॉल्ट टेस्ट कर रही हूँ तो थोड़ा कम था, लेकिन मैं अभी नहीं डालूँगी बिकॉज़ हमने इसमें चीज़ ऐड करनी बाकी है अभी। आपके पास जो अवेलेबल चीज़ है आप वो डाल सकते हैं, मोज़रेला या चेडर चीज़, जो भी आपके पास है आप वो अपने चॉइस से डाल सकते हैं। और फिर इसको हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। चीज़ में भी नमक रहता है, इसलिए मैं जब चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाएंगी उसके बाद फिर से मैं नमक टेस्ट करके उसके बाद सॉल्ट को ऐड करूँगी। हमें अच्छे से चीज़ को इसमें मेल्ट कर देना है। देखिए अभी इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो गई है, लेकिन आगे हम इसमें मिल्क और जो हमने बचा के रखे थे वो ऐड करेंगे। कंसिस्टेंसी हमें ज़्यादा थिक भी नहीं चाहिए और ज़्यादा थिन भी नहीं चाहिए, प्रॉपर कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए इसकी। हम ये रिमेनिंग मिल्क भी अभी ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से विस्क कर देंगे। जब हम पास्ता बनाते हैं तो सॉस की क्वांटिटी पास्ता से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज पास्ता फिर ना सॉस सोक कर लेता है तो ड्राई बन जाता है। अ
अब यहाँ मैं फिर से सॉल्ट को टेस्ट करूँगी और मुझे थोड़ा कम लगा तो फिर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड की इसमें। अब हम इसमें हमारा जो बॉयल्ड पास्ता है उसको ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देंगे और 30-40 सेकंड्स के लिए आप इसको फ्लेम पे रखिए पकने के लिए, एंड देन इट इज़ डन। बहुत ही यम्मी बनता है ये पास्ता और बच्चों को तो बहुत पसंद आता है चीज़ी चीज़ी पास्ता। आप सर्व करने के टाइम पे ऊपर से चिली फ्लेक्स डालना ये ऑप्शनल है। आप बच्चों को दे रहे हैं तो चीज़ श्रेड करके भी डाल सकते हैं, उन्हें और अच्छा लगेगा। और आप ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा। बहुत यम्मी बनता है, बच्चे तो बहुत पसंद करेंगे इसे। आप उन्हें लंच बॉक्स में भी डाल के दे सकते हैं इसे। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मैं वहाँ पे भी रेसिपीज़ अपलोड करती हूँ जो मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं करती, मैं वहाँ रील्स पे अपलोड करती हूँ। तो ज़रूर चेक कीजिएगा मेरा पेज। और दुआओं में याद रखिएगा, माशाल्लाह बोलना ना भूले। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।